नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन साहब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साहब स्टडी पॉइंट पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास SST में जो राजनीति विज्ञान जो है उसका हम पहला चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम समझते हैं सत्ता की साझेदारी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सत्ता की साझेदारी का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए, शक्तियों का जो बंटवारा है वो कई प्रकार से हो सकता है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी हो सकता है, या फिर शक्तियों का जो बंटवारा है वो सामुदायिक स्तर पर भी हो सकता है, या फिर शक्तियों का बंटवारा सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में भी हो सकता है। तो सिंपल सी भाषा में समझे तो शक्तियों के बंटवारे को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इस चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका, दो देश है, इन दोनों देशों के उदाहरण के माध्यम से शक्ति के बंटवारे को यानी कि सत्ता के साझेदारी को हम समझने वाले हैं। आज फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को बेल्जियम के उदाहरण के माध्यम से सत्ता के साझेदारी को मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी कि भारत में जो हमारा हरियाणा राज्य है ना उससे भी छोटा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग आधा होगा। और इसकी आबादी की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक इसकी आबादी है, मतलब कि हरियाणा से आधी इसकी आबादी है। इसकी अगर सीमाओं की बात करें तो इसकी जो सीमा है वो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से इसकी सीमा लगती है। अगर इस देश की हम सामाजिक बनावट की बात करें तो बेल्जियम में जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रेंच भाषी लोगों की बात करें तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले की जो संख्या है वो लगभग 40% है, और टोटल 1% लोग जो है वो जर्मन है, यानी कि जर्मनी भाषा बोलते हैं। ये तो हो गया बेल्जियम की बात, लेकिन बेल्जियम की जो राजधानी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में कहानी कुछ अलग है। यहाँ पे कुल मिला के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच लोग है, और सिर्फ 20% लोग जो है वो डच है। अगर हम फ्रेंच भाषी लोगों की बात करें तो संख्या के दृष्टि से फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, बट क्या है कि वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा पैसे वाले लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले। और इस कारण क्या हुआ, 1950 से 60 के दशक में डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में बेल्जियम में क्या हुआ, तनाव उत्पन्न होने लग गया। तनाव की जो स्थिति थी उत्पन्न होने लग गई। दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेल्जियम ने किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी को अपनाया। देखिए दोस्तों, बेल्जियम ने सबसे पहला काम क्या किया कि संविधान में संशोधन किया, और संविधान में 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार संशोधन इसलिए किया गया ताकि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का अनुभव ना हो। अब बेल्जियम की समझदारी क्या थी, यानी कि सत्ता की साझेदारी को लेकर उसने क्या समझदारी दिखाई, उसके हम जो भी पॉइंट्स है उसको समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहला पॉइंट है मंत्रियों की समान संख्या। देखिए दोस्तों, बेल्जियम ने क्या किया, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जितने भी मंत्री हैं केंद्रीय स्तर पे उनकी संख्या समान रखी, यानी कि केंद्र सरकार में डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की जो संख्या थी वो समान थी। यानी कि अगर कोई भी कानून बनेगा तो कानून तभी बन सकता है जब दोनों भाषा बोलने वाले जो मंत्री है वो क्या हो, सहमत हो, तभी कोई कानून बन सकता था। दूसरा पॉइंट है कि बेल्जियम में 2 स्तर की सरकार बनाई गई, एक केंद्रीय स्तर की सरकार बनाई गई और दूसरी राज्य स्तर की सरकार बनाई गई, और दोनों ही सरकार यानी कि मतलब केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के कामकाज में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं कर सकती थी, तो इससे राज्य सरकार भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तीसरा पॉइंट है ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई। आपको पता होगा कि पूरे बेल्जियम में क्या था कि सामाजिक बनावट अलग है, और ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ की सामाजिक बनावट अलग थी, इसलिए ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया गया। लास्ट और फोर्थ पॉइंट है सामुदायिक सरकार। देखिए दोस्तों, इन सभी सरकार के अलावा बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार की स्थापना भी की गई, जो हर एक भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके बीच में जो भी समस्याएं थी उसका समाधान करती थी, और सामुदायिक सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा पावर दिए गए थे, जैसे कि सांस्कृतिक संबंधी जो अधिकार है, शिक्षा के जितने भी कानून बनेंगे और भाषा संबंधी जितने भी कानून बनेंगे वो सब सामुदायिक सरकार के अंडर ही था, यानी कि सामुदायिक सरकार भी इन सभी विषयों पर कानून बना सकती। तो इससे क्या हुआ कि समाज में जितने भी वर्ग है, जितने भी भाषा बोलने वाले लोग थे, सरकार में सभी की हिस्सेदारी बनी रही, यही बेल्जियम की समझदारी थी। सो गाइस,
अगले वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा कि श्रीलंका ने क्या बेवकूफ़ी की थी जिस कारण श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन बेल्जियम ने एक अच्छी सत्ता की साझेदारी की नीति अपनाई और शांतिपूर्वक तरीके से अपना विकास किया। लेकिन श्रीलंका में अभी भी सत्ता की साझेदारी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम अगले पार्ट की वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।